तो डिसाइड मैंने किया है गाइस इसको सेल कर दूंगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ बहुत ही अच्छा था गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज थोड़ा सा मूड ऑफ है एंड मैंने यहाँ पर आ गया, देखो खाली जगह में। सो यहाँ पर पूरा खेत ही खेत है गाइस, पूरा खेत है यहाँ पर। एंड वहाँ पर फार्म हाउस है किसी का और ये अपनी रखी है गाड़ी प्यारी सी। एंड सामने ना एक फार्म हाउस बन रहा है उधर। ये पूरा खेत क्या है ना सेल कर रहा है जिसकी है ना, इतना बड़ा खेत यार, मस्त लोकेशन भी है। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है कि अपनी CBR को मैं बेच रहा हूँ, मतलब मैं सेल कर दूंगा गाइस। तो आज आप देख लो पूरी बाइक मेरी, उसके बाद ये नहीं दिखने वाली और मैं इसको सेल कर दूंगा। क्योंकि गाइस अब क्या है कि ना ब्लॉग बनाने के लिए अगर इससे बाइक से बनाऊंगा तो मेरे को वो चाहिए, GoPro चाहिए और सब फलाना चाहिए, बहुत सारी चीज़, तो वो चीज़ है नहीं मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बेच के और GoPro ले लूँ और कुछ और ले लूँ सोच रहा हूँ। सो मेरा जो एक्सपीरियंस था गाइस इसके साथ बहुत ही अच्छा था, मतलब इसको मेरे को लिए हुए 1.5 ईयर हो चुका है, मतलब 1.5 साल हो चुका है। इसको मैं अलविदा कह दूंगा कुछ दिन बाद। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ बहुत ही अच्छा था गाइस। सो गाइस जब ये आई थी ना मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, और जब ये आई थी तो बहुत सारी चीज़ इसमें बनी नहीं थी। मैंने इसको प्यार से भाई बनाया बहुत सारी चीज़, जैसे इसके पार्ट्स हो गए, क्लच हो गए, बहुत सारी चीज़, जैसे कि मिरर नहीं लगा था, बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि इसमें कुछ नहीं लगा था। सो मैंने इसको रिप्लेसमेंट कराया और इसको अच्छे से सजाया अपनी बाइक को। सो अब लग रहा है गाइस कि इसको मैं बेच देता हूँ और एक GoPro या फिर और कुछ ले लेता हूँ गाइस, जिससे कि मैं व्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास बाइक है और GoPro तो है नहीं, तो मैं इसके साथ क्या ही करूं, मतलब रोज़ रोज़ तो आपको ऐसे दिखा नहीं सकता मैं। और बाहर भी जाऊंगा तो कुछ तो कैप्चर करना पड़ता है कि रोड वोड दिखाऊं। तो डिसाइड मैंने किया है गाइस इसको सेल कर दूंगा और आज मेरा लास्ट राइड रहेगा इसका, मतलब मैं अभी राइड करूँगा इसको, आपको दिखाता हूँ राइड करके। सो मेरे को ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ना आप कितने प्यार से अपने बाइक को रखते हो, मेंटेन करते हो, और पहली बात तो आप लेते हो बहुत मुश्किलों से, उसके बाद आप सोचते हो कि इसमें क्या मॉडिफाई करना चाहिए कि जिससे वो सुंदर लगे, बहुत सारी चीज़ आप भी करते हो और मैंने भी वही किया। तो बहुत ही प्यार है इस बाइक से मेरे को CBR से अपनी, एंड ये है बीस्ट, अपनी बीस्ट। सो मैंने पहले ही जब मैंने खरीदा था तो आपको बताया था ये मेरे लिए सुपर बाइक है ये, क्योंकि इससे पहले मैं डिस्कवर या फिर ये सब चलाता था 100 CC, तो मेरे लिए तो सुपर बाइक है। और आगे अगर हम ले सकेंगे सुपर बाइक तो देखते हैं, पर ये रहेगी भाई हमेशा के लिए लीजेंड बाइक अपनी। सो गाइज ये ना मेरे को कभी भाई धोखा नहीं दी, सबसे मेन ये चीज़ है कि कहीं भी मैं जाता था ना राइड करने तो कभी भी मतलब धोखा नहीं करी कि बंद हो जाए या फिर कुछ बिगड़ जाए, अभी तक के लिए भाई बहुत ही अच्छी है मेरे लिए। एंड बस ये की रीज़न है गाइज कि मैं इसको सेल आउट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यार पैसे भी अभी कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जिससे कि मैं GoPro ले सकूँ। और क्या है ना मैं वीडियो डालता हूँ तो बाइक का तो लोग देखते हैं, सो वही चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँगा CBR तो आप भी बोर हो जाओगे एक दिन, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसको सेल आउट कर दूं। सो उसके बाद अपने पास पैसे भी आ जाएंगे। गाइज मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग चैनल खोलूंगा और मैंने ओपन किया व्लॉगिंग चैनल, पर मैंने ही सोचा था कि यार मैं बाइक में कन्वर्ट हो जाऊंगा एंड बाइक को इतना पसंद करेंगे लोग, बाइक का डालता हूँ तो देखते हैं गाइज। सो मैंने सोचा है कि अगर GoPro ले लूँगा बाद में, अगर पैसे आ जाएंगे तो मैं फिर से अपनी CBR ले लूँगा, कहीं से खरीद लूँगा। सो देखता हूँ गाइज अभी क्या है। सो आप लास्ट बार इसका चेकआउट कर लो, इसका लुक, एंड ये आज जाने वाली मतलब ये कुछ दिन बाद चले जाएगी मेरे हाथों से, तो ये देखो लगती तो बहुत ही प्यारी है यार ये बाइक, खेतों के बीच में अलग ही लुक दिख रही है इसकी। तो गाइज ये रहा लास्ट लुक इसका, एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया CBR को अपनी, एंड आप सबकी भी CBR बहुत ही प्यारी है, मैंने एक दो सब्सक्राइबर की देखा भी है कि CBR उनकी कैसी है, तो बहुत ही अच्छे से वो मेंटेन रखते हैं। एंड वो सबसे मेन ये है ना कि वो अगर CBR के बारे में कुछ बोल दें, कोई भी मतलब कोई बोल देता है तो भाई वो तो अलग ही मतलब गुस्से में हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि यार ये लीजेंड बाइक है, मतलब कि मेरा भाई कहना ये है कि किसी बाइक को आप हेट मत करो, एंड जो भी कमेंट ऐसा लिखता है ना कि ऐसी बाइक है ऐसी बाइक है, ऐसा मत लिखा करो गाइस, क्योंकि
हर मोटरसाइकिल को जो परचेज करता है उसे ही पता है कि मोटरसाइकिल की क्या वैल्यू है, एंड वो इतना प्यार से रखता अपनी बाइक को, तो वो गंदी चीज उसके बारे में सुन ही नहीं सकता। सो इसलिए आप भी मतलब हेट मत किया करो कोई भी बाइक को। सो मैंने आज तक आपको एक चीज नहीं बताया इसमें कि जो इसका सस्पेंशन लगा है ना, मतलब 250 cc वाला लगा है शायद इसमें सस्पेंशन, जिससे ना जो मेरी सीट हाइट है थोड़ा सा ना क्या हाइट ऊपर है इसकी, मतलब जो स्टॉक पे आती है ना वही बाइक, तो वो मतलब उसका सस्पेंशन थोड़ा सा नीचे होता है जिससे कि सीट हाइट नीचे रहती है, पर इसकी ना सीट हाइट थोड़ा ऊपर है। मतलब जो मेरी फ्रेंड की थी तो मैंने उसको चलाया तो उसकी सीट हाइट नीचे थी, और भी एक दो लोगों की चलाया सीबीआर तो उसकी भी सीट हाइट नीचे थी। मतलब मैंने बोला कि यार इतनी मेरी बाइक क्यों हाइट इतनी ज़्यादा है इसकी, तो फिर मेरे को पता चला कि ये जो सस्पेंशन है इसका शायद 250 का लगा है इसमें, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा हाइट इसकी ऊपर है। गाइज मैंने बहुत सारी मतलब इससे वीडियो बनाई है जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है, तो पहले तो ऐसे ही नॉर्मल बनाता था कार की और अपने घर की एंड ये सब की बनाता था ब्लॉग, उसके बाद मैंने बाइक की बनाया तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मेरे को। गाइज इसको मैंने ना बहुत ही प्यार से रखा था इसको, एंड ये तो जो आपको टैंक दिख रहा है आपको डेंट तो यार पहले से ही था, पर इसको मैं सोच रहा था कि रीपेंट कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ सोचा था मैंने जो कि आप देखे होंगे मेरे पहले वाले वीडियो में। सो बहुत सारी चीज़ मैंने सोचा था गाइज, उसके बाद सब अब बेकार हो रहा है शायद। तो अभी चलता हूँ गाइज, मैं थोड़ा सा राइड करता हूँ इसको, उसके बाद घर निकलता हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप लेता हूँ उसकी गाइज, और मैं इसको रखे रहूँगा अपनी क्लिप जो मैं अभी आखिरी वाली ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा राइड करके देखते हैं। तो मैंने आज फ़ोन मांग के लाया भैया से, सो फ़ोन माउंट करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगा। सो चलो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लिप दिखाता हूँ। Do you wanna come around now? Stay around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? And then you left. इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो ये हीट हो रहा है गाइस, तो इसमें माउंट करूँगा हेलमेट में ये मोबाइल, तो ये ना बहुत हीट हो रहा है क्या, क्योंकि यार बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पर, तो इस वजह से हीट हो रहा है, मेरा आईफोन तक हीट हो रहा है। सो ये तो यार हो ही रहा है। सो ये गाइस सेट हो चुका है एंड अब ऑन कर दिया मैंने वीडियो को, एंड चलो चलते हैं। अब ये ट्राइपॉड रख लेता हूँ। सो ये रहा गाइस माई लास्ट वीडियो ऑफ CBR, एंड आवाज़ सुनो यार कितनी प्यारी है, देखो कोई भी चीज़ अगर जाती है हमारे हाथ से तो कितना दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब जो आपके साथ रही है बहुत सालों तक, आपका साथ दी है, चाहे कोई भी हो, इंसान हो चाहे बाइक हो चाहे कुछ भी, मतलब आपके साथ अगर अभी धोखा घड़ी नहीं हुआ तो उसके साथ आप कितने अच्छे से मतलब रहते हो और आपको कितना अच्छा लगता है उसके साथ रहना। सो ऐसे ही बाइक है गाइस, बाइक के साथ मतलब कितने लोग प्यार करते हैं बाइक को और उसके साथ कितनी मेमोरीज जुड़ी रहती है। सो अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा शेक हो रहा होगा मोबाइल क्योंकि ऐसी रोड ही है। सो यहाँ से बस पास में ही है मेरा घर, सो एक राइड यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट से, उसके बाद चलते हैं घर, यहाँ पर रोड आ गई। धीरे धीरे चलते हैं, एंड यहाँ पर ना रोड थोड़ा सा अच्छी है, यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा ख़राब थी तो इसलिए वजह से ना हिलता भी बहुत है कैमरे पे। सो रिटर्न लेता हूँ यहाँ से, जी दोस्तों जे बात। वाह क्या पावर है भाई, गजब गजब, देना कितना पावर, ये फर्स्ट गियर है एंड ये है करीब 9 की स्पीड, ठीक है 8 की स्पीड है, अभी 14, 15, 16 हो गई, अब देखते कितने सेकंड में कितना जा रही है। 40 पहुंच गई यार, ऑलमोस्ट 1.34 सेकंड में, थोड़ा सा इसका बस अब टॉर्क थोड़ा सा कम है बस, उसके बाद जो खींचना चालू करती है ना ये अलग ही मज़ा आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हैं इसमें, एंड थोड़ा सा आखिरी वीडियो है ना ये, तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी बनता है इधर, थोड़ा सा शेक होगा गाइस वीडियो तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, क्योंकि इसमें इतना स्टेबलाइज़र नहीं है फ़ोन में, सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना,
बाकी तो व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ पर। फिर से मैं वही वाली रोड पे आ गया एंड इसके बाद मैं रिटर्न करके वापस घर चलूँगा। तो ऑलमोस्ट कितने में मतलब ये सेल होनी चाहिए गाइस बताओ, आप कमेंट करके बताना कितने में सेल होनी चाहिए वाली बाइक। जितना मैंने इसमें पैसा लगाया 10 से 15 हज़ार तक अभी तक लगा दिया मैंने, 15 हज़ार तक कम से कम लगा दिया पैसे जब से मैं इसको सेकेंड हैंड लिया था एंड अभी तक कितना मतलब आप इसकी कितनी रीसेल वैल्यू होगी आप बताना, क्योंकि यार इसको मैंने बहुत ही मेंटेन करने का सोचा है और इसको करा भी है मैंने। सो कितना रीसेल वैल्यू होगी आप ही बताना। तो यहाँ पर रोड थोड़ा बहुत ख़राब है इधर, पर मज़ा आता है। मैं तो CBR को कहीं भी डाल देता हूँ भाई, पहाड़ वहाड़ में भी चढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर कोई प्लॉट वॉट देखने आया, यहाँ प्लॉट ही बहुत दिखता है, कौन कौन सी जगह में देखो प्लॉट लेते हैं लोग, बहुत अलग लेवल। मेरा तो भाई इसमें थोड़ा हाथ बैठ गया मस्त तरीके से एंड इसको ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए मज़ा आता है यार। ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है इधर, मतलब पहाड़ एरिया है, पर इधर पूरा व्यू देखो इधर का। हवा थोड़ा सा कम रखना सामने फ्रंट का टायर का जो है बस, क्योंकि स्लिप स्किड कर सकती है आपकी बाइक। यहाँ तो रास्ता ही ख़त्म हो गया, पहाड़ में चढ़ा दूँ क्या, इधर पहाड़ है। अरे भाई साहब ये क्या है, यहाँ नहीं जा रहा यार मैं, चलते हैं वापस इधर से। वो देखो खेत में स्कॉर्पियो चला रहे भाई, वो देखो दिख रही हो तो वहाँ पर देखो, बहुत शेक हो रहा होगा वीडियो पता है मुझे। अरे बहुत ही हल्की गाड़ी है ना यार ये, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही हल्की है एंड लाइट वेट है ना, उसके चक्कर में मस्त आप भाई इसको स्मूथली हैंडलिंग कर सकते हो इसकी। ये देखो कहीं भी टर्न कर सकते हो, ज़्यादा हैवी है नहीं, सो मज़ा आ जाता है। भयंकर धूप है यार, चलो इसके आगे निकलते हैं क्रेटा वाले के। ये सब प्लॉट देखने आए थे गाइस, भाई मजा आ जाता है यार चलाने में इसको, कहीं भी घुमा दो यार। एक नंबर, वाह भाई ऐसा लग रहा कि वो जो बाइक नहीं आती ऑफ रोडिंग वाली, वही वाली फील आती इसमें। सब यार क्या लुक बनाया है, क्या सीटिंग पोजीशन बनाया है CBR का, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी चलता हूँ यहाँ से घर में। सो गाइस यार बहुत ही याद आएगी यार अपनी CBR की, बहुत ही दिक्कत हो रही है, उस पर कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। कभी कभी हाथ छोड़ना भी अच्छा होता है किसी का, पर मेरा मन नहीं कर रहा है इसको बेचने का यार सही में गाइस। सो गाइस यहाँ से मेरा घर आने ही वाला है, जस्ट पास में ही है। सो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ये CBR को नहीं बेचूंगा भाई, कभी भी नहीं बेचूंगा मैं इसे।
लगे रहेगी। और ये जो आप बता रहा था ना, मैं आपको GoPro लूँगा, ये सब लूँगा, ये तो पर मैं YouTube कमा के लूँगा, YouTube से मनी से मैं लूँगा GoPro, इसको नहीं बेचूँगा गाइज, ये अपनी जान है। एंड ये ही हम उनको बहुत सपोर्ट करी है और मज़ा आता है इसको चलाने में। सो जस्ट मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था, तो आप तो गाली बकोगे इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, उसके बाद बोलोगे ये सब क्या है, तो आप तो गाली बकोगे पता है, पर ठीक है, प्रैंक करना चाहिए भाई पब्लिक के साथ भी। सो ये अपनी भाई अलग ही लीजेंड बाइक है, तो मैं इसको नहीं बेच रहा, जस्ट मैं आपके साथ ऐसे ही प्रैंक कर रहा था, तो ये मेरा घर आ गया। सो कैसा लगा भाई मेरा एक्टिंग, एंड ये सब स्क्रिप्टेड। ये रहा अपना घर, नहीं बेचेंगे भाई, ऐसे कैसे बेच देंगे, इतना इजी थोड़ी ना इसको बेचना, इतने लोग इससे जुड़े हैं और मैं खुद जुड़ा हूँ, इसको ऐसे थोड़ी ना बेच दूँगा। सो चलो मैं गाइज यहीं पर व्लॉग को एंड करता हूँ, एंड आप सब बताना कैसा लगा ये मेरा प्रैंक आपके साथ, एंड अगर अच्छा लगा तो गाइज लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कोई भी तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, और ऐसे ही सपोर्ट बनाओ तो जिससे कि मैं GoPro ले सकूँ, इसको ना बेचूँ। तो चलो गाइज आप सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।